फिलिस्तीन में 70,000 हताहत। इसराइल पूरे फिलिस्तीन में यानी वेस्ट बैंक और गाजा में 7 अक्टूबर के बाद से अब तक कुल 70,000 लोगों को या तो मार चुका है या घायल कर चुका है या इमारतों के मलबे में दफन कर चुका है। ऐसी स्थिति में जब इसराइल एक तरफा युद्ध करके फिलिस्तीन की धज्जियां उड़ा रहा है तो फिलिस्तीन के अंदर फिलिस्तीन के लोगों में एकजुटता और एकता देखनी चाहिए थी, लेकिन वेस्ट बैंक के अंदर फिलिस्तीनी आपस में खून खराबा कर रहे हैं। दरअसल फिलिस्तीन के कुछ लोग इसराइल के लिए जासूसी करते पकड़े गए। इसके बाद वेस्ट बैंक के अंदर हालात बेकाबू हो गए, जंगल राज सा कायम हो गया और एक साथ दो लोगों को फांसी पर लटकाकर एक ऊंचे बिजली के खंभे पर लटका दिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने इस वीडियो पर पूरा समाचार छापा है और घटना को सही बताया है। इसराइल और फिलिस्तीन के नक्शे को अगर देखें तो मुख्य रूप से तीन क्षेत्र दिखाई देते हैं। जेरूसलम के आसपास का हिस्सा वेस्ट बैंक है, इसराइल के दक्षिण में गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी में करीब 22 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं, वेस्ट बैंक के अंदर करीब 27 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं और इसराइल की मुख्य भूमि में करीब 20 लाख अरब और फिलिस्तीन मूल के लोग रहते हैं। अगर 20 लाख फिलिस्तीनी और अरबी मूल के लोग इसराइल के नागरिकों के साथ शांति से रह सकते हैं तो फिर इसराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति स्थापित क्यों नहीं हो सकती? इस सवाल का जवाब ये तस्वीरें हैं जो वेस्ट बैंक के अंदर तुलकेरम शहर के हैं। यहाँ पर फिलिस्तीन के कट्टरपंथियों ने भीषण हत्याकांड को अंजाम दिया है। तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि आपको दिखा ही नहीं सकते हैं, लेकिन इन तस्वीरों में क्या है ये आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसराइल के उन दो जासूसों के बारे में बताते हैं जो फिलिस्तीनी मूल के थे। वेस्ट बैंक के राजनीतिक संगठन फतेह और उसकी सैन्य शाखा अल कुद्स शहीद ब्रिगेड ने इन दोनों को पीट पीट कर और फांसी देकर मार डाला है। अल कुद्स शहीद ब्रिगेड ने 31 साल के हमजा मुबारक को मार दिया, इसके अलावा 29 साल के आजम जुबरा को भी मार दिया है। अब देखिए तस्वीर नंबर 1। इस तस्वीर में इसराइल की खुफिया एजेंसी के एजेंट 31 साल के हमजा मुबारक और 29 साल के आजम जुबरा को मारकर सड़क पर फेंक दिया गया और इन दोनों की लाशों के चारों तरफ फिलिस्तीन की अल कुद्स शहीद ब्रिगेड के लड़ाके जश्न मना रहे हैं और अल्लाहु अकबर के नारे लगा रहे हैं। तस्वीर नंबर 2। इसराइल के एजेंट हमजा मुबारक और आजम जुबरा को उल्टा लटका करके एक दीवार से नीचे की तरफ गिराया जा रहा है और यहां पर इसराइल के जासूसों को खत्म करने के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। तस्वीर नंबर 3। इसराइल के खुफिया एजेंट हमजा मुबारक और आजम जुबरा को एक बिजली के खंभे से ऊंचाई पर लटका दिया है। दरअसल इसराइल के इन जासूसों को फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के अल कुद्स शहीद ब्रिगेड ने इसलिए बुरी तरह तड़पाकर क्रूरतापूर्ण तरीके से मारा ताकि वेस्ट बैंक के अंदर दोबारा कोई भी इसराइल की जासूसी करने की हिम्मत भी न जुटा सके। इसराइल के जासूसों को ऊंचे खंभों पर इसलिए लटकाया गया है ताकि फिलिस्तीन के लोग ये देख सकें कि इसराइल के लिए जासूसी करने का अंजाम क्या हो सकता है। दरअसल वेस्ट बैंक की अल कुद्स शहीद ब्रिगेड ने इन दोनों पर आरोप लगाया था कि इन्होंने इसराइल के लिए जेनिन में जासूसी की, जिसकी वजह से वेस्ट बैंक के 6 आतंकवादी इसराइल की सेना के शिकार हो गए। यानी अगर देखा जाए तो एक तरफ गाजा पट्टी में एक मुर्दा शांति छाई हुई है, यानी मातम वाली शांति छाई हुई है, और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक के अंदर एक खूनी गदर मचा हुआ है। लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को चैन नहीं है, ये संघर्ष विराम उनको फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। इसीलिए संघर्ष विराम खत्म होने से ठीक पहले वो गाजा पट्टी के अंदर पहुंच गए और उन्होंने गाजा पट्टी के अंदर मौजूद इसराइल के सैनिकों से मुलाकात की। 7 अक्टूबर के बाद ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद पहली बार नेतन्याहू गाजा पट्टी के अंदर गए थे और उन्होंने अपने इसराइल के सैनिकों को ये संदेश दिया कि युद्ध पूरी ताकत से लड़ा जाएगा
और हमास के अंतिम आतंकी तक युद्ध लड़ा जाएगा। इसराइल ने गाजा पट्टी के अंदर संघर्ष विराम कर दिया है, लेकिन बहुत ही रणनीतिक दृष्टि से इसराइल ने फिलिस्तीन के दूसरे हिस्से यानी कि वेस्ट बैंक पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। तमाम विशेषज्ञ अब ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि वेस्ट बैंक अब दूसरा गाजा बन चुका है। जब तक इसराइल अपनी एयरफोर्स के माध्यम से गाजा पट्टी पर बमबार्डिंग करता रहा, तब तक इसराइल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या का आंकड़ा लगभग स्थिर रहा। लेकिन जैसे ही इसराइल ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया, इसराइल के सैनिकों की मौतों की संख्या लगातार बढ़ती गई। लेकिन अब जो समाचार फिलिस्तीन के अखबार में छप रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि इसराइल की सेना और इसराइल की सरकार इसराइल के सैनिकों की मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। फिलिस्तीन क्रॉनिकल नाम के एक अखबार में इसराइल के मिलिट्री सिमेट्री यानी इसराइल के सैन्य कब्रिस्तान यानी वो जगह जहां पर इसराइल के सैनिकों को दफन किया जाता है, उस जगह के डायरेक्टर डेविड वार्नर बरूच का एक इंटरव्यू छापा है। इस इंटरव्यू में इसराइल की मिलिट्री सिमेट्री के डायरेक्टर डेविड वार्नर ने कहा है कि इसराइल के अंदर हर घंटे एक इसराइली सैनिक का शव कब्रिस्तान में दफन होने के लिए आ रहा है। इस इंटरव्यू को फिलिस्तीन और अरब देशों के अखबारों ने हाथों हाथ लिया और यह दावा किया कि इसराइल के सैनिकों की मौत का आंकड़ा आधिकारिक आंकड़े से कहीं ज्यादा है। जेरूशलम के पश्चिमी इलाके में माउंट हर्जल कब्रिस्तान है और यहां पर इसराइल की सेना में काम करने वाले सैनिकों को दफनाया जाता है। मिडल ईस्ट मॉनिटर नाम की एक और न्यूज वेबसाइट में इस कब्रिस्तान के डायरेक्टर डेविड ओरेन का बयान छपा है कि पिछले 48 घंटे में 50 इजरायली सैनिकों को दफनाया गया है। ये चौंका देने वाली बात है, क्योंकि इसराइल ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल के करीब 400 सैनिक मारे गए हैं। इनमें से करीब 80 सैनिक गाजा के ग्राउंड ऑपरेशन में मारे गए हैं, करीब 10 सैनिक लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्ला से लड़ते हुए मारे गए हैं और 300 से ज्यादा सैनिक 7 अक्टूबर और उसके बाद एक हफ्ते तक इसराइल के अंदर हमास के आतंकवादियों से सीधे लड़ते हुए मारे गए हैं। लेकिन फिलिस्तीन के अखबारों का दावा है कि ग्राउंड ऑपरेशन में इसराइल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या आधिकारिक आंकड़े से कहीं ज्यादा है। अगर इसराइल के मिलिट्री सिमेट्री यानी सैन्य कब्रिस्तान के डायरेक्टर डेविड वारेन के आंकड़ों को सही माने और इस हिसाब से अनुमान लगाएं कि हर घंटे में एक सैनिक की मौत हो रही है, तो इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को लगभग 30 दिन हो चुके हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं यानी 30 दिन में 720 घंटे। अगर इसराइल के सैन्य कब्रिस्तान के डायरेक्टर के मुताबिक हर घंटे में एक सैनिक की मौत हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि अब तक ग्राउंड ऑपरेशन से 30 दिनों में 720 सैनिकों की मौत हो चुकी है। यह सिर्फ एक अनुमान है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। इतना ही नहीं, हिजबुल्ला दावा यह करता है कि लेबनान के बॉर्डर पर जो जंग चल रही है उसमें हिजबुल्ला के 80 लड़ाके मारे गए हैं, जबकि इसराइल के करीब 10 सैनिक मारे गए हैं। जबकि हिजबुल्ला को सपोर्ट करने वाले देश ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई भी ये बयान जारी कर चुके हैं। इसराइल के ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, लेकिन इसराइल आंकड़ों को छुपा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में इसराइल की सेना अपने मारे गए सैनिकों के आंकड़ों को छुपा रही है? इसराइल की सेना प्रोपेगेंडा वॉर में हमेशा आगे रहती है। आज भी इसराइल के और हमास के युद्ध में अगर देखा जाए तो हमास के पक्ष में बात करने वाले गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी पत्रकारों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। गाजा पट्टी के अंदर लगातार हुई बमबारी में अब तक करीब 45 पत्रकार मारे जा चुके हैं जो फिलिस्तीन के मुद्दे को कवर कर रहे थे। अब ऐसी स्थिति में गाजा के संचार तंत्र पर इसराइल का 75% कब्जा है और इसराइल जो चाहता है वही सूचना गाजा के बाहर निकलती है, क्योंकि गाजा के अंदर इसराइल की सेना अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है। और जहां तक इसराइल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या का सवाल है, तो यहां पर यह बात भी जाननी जरूरी है कि इसराइल डिफेंस फोर्स खुद को एक सुपीरियर आर्मी यानी सर्वश्रेष्ठ सेना की तरह प्रस्तुत करती है और ऐसे में वो कभी नहीं चाहेगी कि वो अपने सैनिकों की मौत के ऐसे आंकड़े पेश करे जो दुश्मनों के मुकाबले ज्यादा हों।